मान क्ल क्लास सेवन वालेकुम टुडे इट इज़ ट्यूसडे डेट इज़ ट्वेंटी अप्रैल टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी क्लास इज सेवन एंड सब्जेक्ट इज़ साइंस ओके सो द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी टूडे इज ऑब्वियसली फ्रॉम द चैप्टर नंबर थ्री ठीक है और टॉपिक हमारा पास क्या है कंपाउंड फॉर्मेशन और साथ ही हम उसके आज रिव्यू क्वेश्चन भी करेंगे एंड वी विल वाइंड अप आवर दिस चैप्टर नंबर थ्री अच्छा इससे पहले हमने जो चीज़ पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि कंपाउंड होता क्या है कंपाउंड इज फॉर्म वेन द एलिमेंट्स कंबाइन ठीक है वेन द एलिमेंट्स दे कम्बाइन दे फॉर्म द कम्पाउंड नंबर टू दिज एलिमेंट्स दे कैन बी सेम एंड दे कैन बी द डिफरेंट एंड नंबर थर्ड वन के दे कम्बाइन द केमिकली ठीक है तो हमने ये तीन चीज़ें पढ़ी थी कंपाउंड्स के बारे में कि कंपाउंड्स क्या होते हैं हाउ दे आर फॉर्म दे आर फॉर्म व्हेन द एलिमेंट्स कम्बाइन और एलिमेंट्स जो कम्बाइन करते हैं दे कैन बी सेम दे कैन बी डिफरेंट और थर्ड चीज़ जो थी वो ये थी कि वो कम्बाइन कैसे करते हैं वो केमिकली करते हैं ऐसे ही वो आ, आके जो है वो कम्बाइन किसी भी चीज़ के साथ नहीं कर लेते ठीक है थीके? ओके नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टुडे वी विल स्टडी अगेन द मेन थिंग कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स बाय विच द कंपाउंड्स दे आर फॉर्म इससे पहले हमने एक चीज़ पढ़ी थी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जिसमें हमने ये पढ़ा था कि दे आर फॉर्म बाय द केमिकल रिएक्शन दे कैन बी ब्रोकन बाय द केमिकल रिएक्शन और उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ उनके अंदर नहीं आती फोर्थ क्या था कि कंपाउंड जो है उसमें एलिमेंट्स हमेशा फिक्स मैस बाय रेशो से कंबाइन करते हैं ओके सो दिस वॉज द समरी ऑफ आवर लास्ट टॉपिक जो कि हमने लास्ट ट्यूज़डे uh, को था सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड नंबर वन हाउ द कंपाउंड्स आर फॉर्म दे आर फॉर्म बाय द कंबिनेशन ऑफ एलिमेंट्स बाय द कंबिनेशन ऑफ एलिमेंट्स पहला तरीका क्या था कंपाउंड फॉर्मेशन का कि एलिमेंट्स दे आर कंबाइंड फॉर एग्जांपल इन आवर बुक वी आर गिवन द एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम व्हेन वी बर्न दैट मैग्नीशियम इन ऑक्सीजन देन इट फॉर्म्स द मैग्नीशियम ऑक्साइड ठीक है अच्छा अब ऑक्सीजन जो है उसको कुछ जगहों पे ये लोग एलिमेंट की फॉर्म में लेते हैं कुछ जगहों पे उसको कंपाउंड की फॉर्म में लेते हैं ठीक सो नंबर वन फर्स्ट मेथड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड इज द कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स दैट द एलिमेंट्स दे आर कंबाइंड फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम व्हेन इट वेनेटेड बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड इसकी आप एक और एग्जाम्पल भी दे सकते हो वे आर हैविंग आयरन और आयरन को जब हम सल्फर के साथ मिक्स करके बर्न करेंगे इट विल फॉर्म आयरन सल्फाइड ठीक है तो जो पहला हमारे पास मेथड था वो क्या था कि एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन करते हैं एंड देन दे फॉर्म द कंपाउंड सेकेंड थिंग इज कंबिनेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स ठीक है सेकंड एग्जांपल में अब हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड करनी है जिसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड इट इज़ अ कंपाउंड नाइट्रिक ऑक्साइड को जब आप बर्न करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन को हम एज अ एलिमेंट ले रहे हैं ठीक है दिस इज द कंपाउंड दिस इज द एलिमेंट देन इट फॉर्म्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को आप एलिमेंट और कंपाउंड दोनों फॉर्म्स में ले सकते हो देर इज नो कंपल्जन क्योंकि आपकी बुक में एज अ एलिमेंट है लेकिन ऑन जब मैंने नेट पर सर्च किया था तो वो एज अ कंपाउंड भी है तो आप उसको दोनों फॉर्म्स में यूज़ यू कैन यूज़ इट ठीक है सो so, पहली चीज़ जो थी हाउ द एली कंपाउंड आर फॉर्म नंबर वन वैन वी कंबाइन द एलिमेंट्स फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगी सेकेंड चीज़ क्या थी आयरन और सल्फर वैन दे विल कंबाइन दे विल बी बर्न सो दे विल फॉर्म आयरन सल्फाइड सेकेंड थिंग इज कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड अब एक हमने एलिमेंट कौन सा ले लिया ऑक्सीजन और हमने कंपाउंड कौन सा ले लिया नाइट्रिक ऑक्साइड दोनों को जब मिक्स किया तो इट विल फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड थर्ड थिंग हमारे पास है कम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड कम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स तो कम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स में हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो है अमोनिया अमोनिया एज अ कंपाउंड वेन अमोनिया कंबाइन्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी कंपाउंड है इट फॉर्म्स अमोनियम क्लोराइड दिस इज ऑल्सो अ कंपाउंड ठीक है तो कंपाउंड की फॉर्मेशन के थ्री मेथड्स बच्चे कौन कौन से हैं नंबर वन व्हेन वी कंबाइन एलिमेंट्स जिसमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं आयरन सल्फर कंबाइन कर रहे हैं सेकंड थिंग कम्बीनेशन ऑफ एलिमेंट्स विद कंपाउंड एलिमेंट हमने ऑक्सीजन ले लिया कंपाउंड हमने नाइट्रिक ऑक्साइड ले ली वी विल फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड थर्ड इज कंबीनेशन ऑफ कंपाउंड्स डिफरेंट कंपाउंड्स कंबाइन करेंगे अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट विल फॉर्म अमोनियम क्लोराइड ये भी कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड इसमें आप हर इनमें और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट आवर टेक्स्ट बुक वट इज आवर टेक्स्ट बुक टू अस फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड देर आर डिफरेंट वेज टू फॉर्म कंपाउंड हेयर आर सम वेज कंबाइनिंग द एलिमेंट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन पहले एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म यू And underline this magnesium oxide is formed when magnesium and element burns in oxygen. So, magnesium hai ye element when it burns in oxygen, it forms magnesium oxide. Ye ho gaya. Second, pas, combining the elements and compounds during the chemical reaction, brown fumes of the nitrogen dioxide are produced when a colorless gas nitric oxide compound combines with a. Uh, कलरलेस ऑक्सीजन दोनों कलरलेस हैं लेकिन जब कंपाउंड बनेगा तो अब उसमें उन दोनों की प्रॉपर्टीज नहीं है नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन इट फॉर्म्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड थर्ड इज कंबाइनिंग द कंपाउंड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन अब हमारे कंपाउंड्स हैं डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ द कंपाउंड अमोनियम क्लोराइड इज़ प्रोड्यूस्ड बैन गैसवेस अमोनिया इज मिक्सड विद हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि दोनों आपके पास कंपाउंड है सिंपल कहानी है अमोनिया भी कंपाउंड है हाइड्रोजन क्लोराइड भी कंपाउंड है दोनों को जब आप मिक्स करोगे तो आपके पास बनेगा अमोनियम क्लोराइड ये इसकी वर्ड इक्वेशन है ठीक हो गया अच्छा अब सॉल्व द फॉलोइंग कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म बाय टू एलिमेंट्स टू कंपाउंड्स वन एलिमेंट एंड वन कंपाउंड तो इट इज़ फॉर्म बाय वन एलिमेंट अगर आप ऑक्सीजन को एलिमेंट ले रहे हो ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ कंपाउंड सो so, ये किस चीज़ से बन रहा है इट इज़ फॉर्म बाय वन कंपाउंड एंड वन एलिमेंट या आप यूं भी लिख सकते हो कि इट इज़ फॉर्म बाय कम्बिनेशन ऑफ बोथ द कंपाउंड दोनों तरीके आपके ठीक होंगे अच्छा जी उसके बाद आप लोग आ जाए की पॉइंट्स पे सम वेज टू फॉर्म द कंपाउंडस आर टू कंबाइन एलिमेंट्स कंबाइंड एलिमेंट्स एंड कंपाउंड एंड कंबाइंड कंपाउंडस बाय अ केमिकल रिएक्शन अच्छा अब उसके बाद हमारा आ गया रिव्यू क्वेश्चन वन हमने उस दिन फ्राइडे को कर लिया था सो टुडे वी विल डू द टू लेट दिस टू एंड थ्री बी ऑन योर टेक्स्ट बुक ठीक हो गया नाउ रीड आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू आर फॉल्स करेक्ट दें दे आर आर मोर एलिमेंट्स देन कंपाउंड तो यहाँ पे आप लिखेंगे दे आर आर लेस एलिमेंट्स देन कंपाउंड ठीक है पहले में आप लिखेंगे लेस नंबर टू वाटर इज एन एलिमेंट दिस इज रॉन्ग वाटर इज अ कंपाउंड ठीक है ऑल द गैसेज आर एलिमेंट्स इसके आगे आप लगा लें नॉट नॉट ऑल द गैसेज आर एलिमेंट्स दे आर आर मोर मिटेलिक एलिमेंट्स दैन नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू ऑल मिटेलिक एलिमेंट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर ऑल मिटेलिक एलिमेंट्स आर नॉट सॉलिड जैसे कि मर्करी है दैट इज नॉट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर देन सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग थिंग वाइल एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉन लिविंग लिविंग थिंग हमारे सेल्स के में भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ठीक हो गया नाओ स्टेटमेंट पढ़ें और उसको देखें कि वो किसको डिस्क्राइब करता है इट गेव्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन हीटेड दिस इज द एलिमेंट डज नॉट डिस्क्राइब द एलिमेंट इट डज नॉट ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटांसिस वैन हीटेड तो ये जो है ये हमारा एलिमेंट है इट कम्बाइंस विद एन एलिमेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड इट डज नॉट टेल इट इज़ मेड अप ऑफ टू सब्सटांसिज ज्वाइन टुगेदर बाय केमिकल रिएक्शन डज नॉट डिस्क्राइब एलिमेंट एलिमेंट में दो तो नहीं होते अच्छा इट ब्रेक्स इंटू न्यू सब्सटांसिज वैन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट ये भी नहीं है अच्छा इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिम्बल एफ ई दिस इज द एलिमेंट इसको आप देख लें एक नज़र ठीक नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर यू आर गिवन टू सॉलिड्स वन इज अ मेटेलिक एलिमेंट अदर इज अ नॉन मेटेलिक राइट डाउन द फाइव प्रॉपर्टीज विच आर यूज टू डिस्टिंग्विश द टू एलिमेंट्स नाउ लेट्स राइट दैम आप ऊपर हेडिंग uh, देंगे रिव्यू क्वेश्चन की ठीक क्वेश्चन नंबर फोर पूरा लिखें देन राइट इट्स आंसर द फाइव प्रॉपर्टीज आर द फाइव प्रॉपर्टीज आर कौन कौन सी है उसकी जी फाइव प्रॉपर्टीज नंबर वन उसका है जिसमें वो हमने पढ़ा था उसका अपियरेंस ठीक है देन हमने पढ़ा था बॉयलिंग मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग मोल्टिंग पॉइंट नंबर थ्री जो था वो हमने पढ़ा था हीट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टिविटीज ठीक है देन हमने पढ़ा था नंबर फोर में वी स्टडीड अबाउट मेलिएबल एंड नॉन मेलिएबल नॉन एंड नंबर फाइव हमने पढ़ा था डकटाइल एंड नॉन डकटाइल दीज आर द फाइव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं उसकी अपेयरेंस उसका बॉयलिंग मेल्टिंग पॉइंट हीट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेलिएबल या नॉन मेलिएबल डकटाइल एंड नॉन डकटाइल दिस इज द आंसर ऑफ रिव्यू क्वेश्चन नंबर फोर सो टूडे अपिल हेयर यू हैव टू डू रिव्यू क्वेश्चन फोर आपने अपनी कॉपीज पे जो है वो कंप्लीट कर लेना है ठीक है जी ओके फाइन थैंक यू